हेलो प्रेप मेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी इस प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज के अंदर। और आज हमारी जो जर्नी है वो समाप्त होने वाली है। आज हम क्लास 12th का भी समापन समारोह बनाने वाले हैं। विश्वास ही नहीं होता कि इतना जल्दी हमने केवल और केवल 36 डेज के अंदर क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की ही फिजिक्स को बहुत ही इफिशियंटली कवर करने की कोशिश करी है। खैर, मैं बहुत मिस करूंगा अपनी इस मोस्ट वांटेड सीरीज को। बहुत उतार चढ़ाव से भरी रही है पर्सनली मेरे लिए मोस्ट वांटेड सीरीज, एंड डेफिनेटली समडे आई विल शेयर द होल स्टोरी बिहाइंड दिस मोस्ट वांटेड सीरीज। बट आज आखिरी दिन भी हम बिना किसी टाइम को वेस्ट करें हमारी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देंगे। और आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे प्यारा और सबसे आखिरी चैप्टर, दैट इज सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो है इसको समझने में थोड़ा सा आपको हो सकता है टाइम लगेगा। बहुत छोटी 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 बातें हैं और लगभग सारी की सारी बातें आपके लिए नई है। तो हम शुरुआत से इसको शुरू करेंगे और फिर उसके बाद में देखेंगे कि किस तरीके से यार इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर बार एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से पूछे जाते हैं, बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन उनको लिटरली मैं ये बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर को छोड़ के जाना आपके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही आसान होगा और फिजिक्स के उन क्वेश्चंस में से एक होगा जिसको आप बायो की तरह बिना टाइम कंज्यूम करे भी क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, राइट। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी को स्टडी करने के लिए एक नई थ्योरी डेवलप करेंगे, दैट इज कॉल्ड बैंड गैप थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग सॉलिड्स जब एक दूसरे से मिलके, सॉलिड के मॉलिक्यूल या एटम्स एक दूसरे से मिलके पूरी की पूरी लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स होते हैं उनका एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको अपन एनर्जी बैंड बोलते हैं। जैसे वैलेंस शेल से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस कंटिन्यूस बैंड के अंदर भरे जाएंगे, जिसको अपन वैलेंस बैंड बोलेंगे। वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर जो एनर्जी लेवल्स अवेलेबल होंगे उनका कंटिन्यूस बैंड कहलाएगा आपका कंडक्शन बैंड। तो हमारे लिए दोनों बैंड्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैलेंस बैंड का सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड का सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल, इन दोनों के बीच में कुछ गैप होता है, इसको अपन बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। यानी कि इस गैप के अंदर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जा सकता और इस गैप के आधार पर ही आप सॉलिड्स को तीन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहली कैटेगरी आएगी जिसको हम कहते हैं कंडक्टर्स। इनके अंदर ये जो बैंड गैप होता है ये कितना होता है, जीरो। यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास में बहुत सारा स्पेस अवेलेबल होता है कंडक्शन बैंड के अंदर और वो आसानी से अपनी कंडक्टिविटी शो करते हैं। दैट्स व्हाई दीज मटेरियल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट्स व्हाई दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स, राइट। मेटल्स इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर दूसरे हैंड पर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। तो आप जितने भी मीन्स आपके पास में अवेलेबल है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ये वो सब कुछ, उसके जरिए आप इतनी एनर्जी कभी भी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड नहीं करवा सकते। यानी कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के कभी भी कंडक्शन बैंड के अंदर जा नहीं पाएगा और कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं जा पाएगा तो उसके लिए कंडक्टिविटी शो करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसे मटेरियल्स को क्या कहा जाता है, इंसुलेटर्स। इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। और तीसरे हाथ पर है हमारे सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो जीरो भी नहीं होता कंडक्टर्स की तरह और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना ज्यादा भी नहीं होता, मॉडरेट होता है, मतलब लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इतनी एनर्जी जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करोगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर ही रहेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के पास नहीं जा पाएगा। बट जैसे जैसे आप उस मटेरियल को रूम टेम्परेचर पर लेके आओगे वैसे वैसे कुछ इलेक्ट्रॉन इवन थर्मल एनर्जी को पाके कंडक्शन वैलेंस बैंड से कहां पर पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंच जाएंगे और फिर वहां तो पूरा का पूरा इलाका खाली है। तो इन मटेरियल्स का जो बिहेवियर है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर तो किसकी तरह होता है, इंसुलेटर्स की तरह होता है, बट रूम टेम्परेचर पर वो हल्की हल्की कंडक्टिविटी शो करते हैं, इतने अच्छे कंडक्टर तो नहीं होते। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देने लायक है, वो ये है कि सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो हम, मतलब इंसान लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी लॉजिकल डिवाइसेस डेवलप हुए हैं वो सारे के सारे इन सेमीकंडक्टर्स के इन्वेंशन के बाद में, इन सेमीकंडक्टिंग
डिवाइसेस के इन्वेंशन के बाद में ही पॉसिबल हो पाई है. व्हाई? बिकॉज वी कैन कंट्रोल हाउ दे विल बिहेव. दे विल बिहेव लाइक कंडक्टर्स और दे विल बिहेव लाइक इंसुलेटर्स. वी कैन कंट्रोल इट एंड दैट्स व्हाई दीज मटीरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, सिलिकन और जर्मेनियम दो बहुत ही पॉपुलर सेमीकंडक्टर्स हैं. जैसे सिलिकन के लिए जो बैंड गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए और भी कम होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. राइट, ध्यान देना, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल लीव दियर वैलेंस बैंड एंड रीच आउट इन द कंडक्शन बैंड. बट टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाई. राइट, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है. अब जो सेमीकंडक्टर्स है उनको भी फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है. एक को बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक को बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का तो मतलब है जो भी सेमीकंडक्टर आप ले रहे हो उसका अपनी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर पाया जाना क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है. कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, तो जो इलेक्ट्रॉन है उनको जैसे ही थर्मल एनर्जी मिलेगी तो वो कहां पर पहुंच जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंच जाएंगे. तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही अपन क्या बोलते हैं, एक हाइपोथेटिकल चार्ज्ड पार्टिकल होल के नाम से जाना जाता है. तो सेमीकंडक्टर एक और नजरिए से खास है क्योंकि इनके अंदर ये जो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनको अपन हाइपोथेटिकल पॉजिटिव पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, होल्स कहते हैं, ये भी चार्ज कैरियर्स की तरह बिहेव करते हैं. तो आपको डबल फायदा होगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा ना, तो आपको डबल फायदा होगा. एक तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा आपको कंडक्शन बैंड में, साथ ही साथ में वैलेंस बैंड के अंदर आपको एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल मिल जाएगा और ये दोनों कंडक्टिविटी शो करेंगे, दोनों ही चार्ज कैरियर्स की तरह बिहेव करेंगे. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो संख्या है वो इक्वल होती है क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा तो रिजल्टेंट एक होल जरूर प्रोड्यूस होगा. मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स हमेशा पेयर के अंदर प्रोड्यूस होंगे, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप क्या करते हो, सेलेक्टिवली एक इंप्योरिटी डोप करते हो. डोप करने का मतलब होता है इंप्योरिटी मिला देते हो आप उस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, और ये जो इंप्योरिटी आपने मिलाई है ये नंबर के अंदर बहुत ही ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो कि थर्मल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं उनके कंपैरिजन में. तो ऑल इन ऑल आपके एक तरीके के चार्ज कैरियर की संख्या जो होती है वो डोमिनेटिंग हो जाती है और उसी के आधार पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक कहलाते हैं आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर. इनको बनाने के लिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज मिलाते हैं, यानी कि फॉस्फरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें हम लोग मिलाते हैं. पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाने से फायदा क्या होगा कि एक सिलिकन की जगह ये जो चोर आपने मिलाया है, ठीक है ना, इम्पोस्टर जो आपने मिलाया है वो उस सिलिकन की जगह जाके बैठ जाएगा. अब ये दिखने में तो सिलिकन जैसा है और इसके हाव भाव भी सिलिकन जैसे हैं, ये अपने चार इलेक्ट्रॉन तो चार सिलिकन एटम से बॉन्ड बनाने के अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के अंदर यूज कर लेगा, बट पांचवा इलेक्ट्रॉन इसके पास में एक्स्ट्रा रह जाएगा और ये पांचवा जो इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली आपके कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, यानी कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स बन जाएंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स आपके रह जाएंगे होल्स जो कि केवल और केवल थर्मल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं. राइट, इनको इस तरीके से शो किया जाता है. जब भी अपन सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर एन टाइप सेमीकंडक्टर को ड्रॉ करते हैं तो हम केवल और केवल जो डोमिनेटिंग फैक्टर है यानी कि जो इंप्योरिटी है वो ही हम शो करेंगे. तो इसके अंदर इंप्योरिटी हमेशा पॉजिटिव इस तरीके से दिखाई जाती है. क्यों? क्योंकि इनके साथ में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर गलती से आपने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, किसी होल के अंदर डाल दिया, तो ये जो रिमेनिंग एटम है ये क्या बन जाएगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाएगा. इसीलिए इस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को आप डोनर इंप्योरिटी भी बोलते हो क्योंकि ये चाहे तो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है. तो ध्यान देना, एन टाइप को बनाने का तरीका है ये, पॉजिटिवली चार्ज दिखाई जाती है इंप्योरिटी एटम, ये कभी भी मूव नहीं होंगे और ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को, और ये जो मैंने एक होल यहां पर बनाया है, ठीक है ना,
ये आपके माइनॉरिटी कैरियर को शो करता है, तो सिंबॉलिक तरीका है ये इसको शो करने का। पी टाइप मटेरियल के अंदर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला के पी टाइप मटेरियल बनाए जाते हैं, जैसे बी ए एल आई एन, राइट। इनके अंदर होल्स जो है मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। अगर आप इम्प्योरिटी एटम को दिखाओगे तो नेगेटिव चार्ज से दिखाओगे, क्योंकि इसका जो होल है इसमें अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज एंड इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। और माइनॉरिटी कैरियर एक इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से शो कर सकते हो। तो ये शो करने का जो तरीका है ना, ये सिम्बॉलिक फॉर्म जो हमने पकड़ी है, ये हमारी बहुत मदद करेगा, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से सीख लो, राइट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पी टाइप मटेरियल हो या एन टाइप मटेरियल हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे तो पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन भी है, जितना इधर नेगेटिव उतने ही होल्स भी है। ओवरऑल इनका चार्ज जो होता है वो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है, राइट। और जैसे ही आप इम्प्योरिटीज मिलाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ होल्स डेंसिटी जो होती है, वो नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की जो भी डेंसिटी थी उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाती है। तो न्यूमेरिकल्स करने के अंदर कभी कभी ये काम आ जाता है, राइट। पीएन जंक्शन के बारे में बात करें तो जब पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को एक दूसरे से मिलाया जाता है तो देखना क्या क्या होगा। ये जो जंक्शन बनेगा, इस जंक्शन के पास में ये होल्स इधर की तरफ और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करना चालू करेंगे। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट कहलाता है डिफ्यूजन। तो ये इधर की तरफ मूव करने लग गए और इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करने लग गए। रास्ते में एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे, एनिहिलेट, डिप्लेट कर देंगे, गायब हो जाएंगे। तो धीरे 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 यहाँ के होल्स गायब होते जा रहे हैं, धीरे 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 इधर के इलेक्ट्रॉन्स गायब होते जा रहे हैं। तो जंक्शन के आसपास एक ऐसा रीजन बनता जा रहा है जहां पर केवल और केवल आपके इम्प्योरिटी आयन्स बचेंगे। जैसे इस जगह पर आप देखोगे तो एक नेगेटिव आयन की दीवार बन जाएगी और इस जगह देखोगे तो एक पॉजिटिव आयन की दीवार बन जाएगी। ये आयन्स नहीं मूव हो सकते, ध्यान रखना। पता चले कई बच्चे मूव करवाने लग जाते हैं कि सर ये भी तो इधर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, आयन्स फिक्स्ड होते हैं, राइट। ये तो इम्प्योरिटी आयन्स है, कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं अदर सिलिकॉन एटम से, राइट। अब इससे क्या होगा कि फर्दर जो मेजोरिटी होल्स इधर जाना चाहेंगे उसको ये पॉजिटिव आयन्स की दीवार रोक देगी, और फर्दर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर आना चाहेंगे तो उसको ये नेगेटिव आयन्स की दीवार रोक देगी। तो धीरे 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 आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। बट ध्यान देना, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसको अपन बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छे से सुनना, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट को ब्लॉक कर देती है, जैसा मैंने यहां पर बताया। बट ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट के लिए बड़ी ही बेनिफिशियल होती है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट कहलाती है ड्रिफ्ट। तो आप इस पूरी की पूरी कहानी को ऐसे कह सकते हो कि जब पीएन जंक्शन बनाया जाता है तो शुरुआत में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे को डिप्लेट करते जाते हैं, डिप्लेशन रीजन बनता है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो डिफ्यूजन हो रहा था वो कम होता चला जाता है। इस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो ड्रिफ्टिंग हो रही थी वो ज्यादा होती चली जाती है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब आपकी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो ओवरऑल मूवमेंट है वो कितना हो जाता है, जीरो। उस कंडीशन में पीएन जंक्शन के ऊपर परमानेंट एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही अपन बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ध्यान देना, जब पीएन जंक्शन बनता है तो आप देख पा रहे हो पी टाइप मटेरियल जो होता है वो लोअर पोटेंशियल पर होता है, और एन टाइप मटेरियल जो होता है वो हायर पोटेंशियल पर होता है। तो ये पी टाइप का वोल्टेज हो गया और ये एन टाइप का वोल्टेज हो गया, और इन दोनों के बीच में एक वॉल जैसी खड़ी हो गई। अगर अब किसी मेजोरिटी कैरियर्स को इधर से उधर जाना है तो उसको इस बैरियर पोटेंशियल को, इस बैरियर को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। खैर, इस पीएन जंक्शन के बेसिस पे एक डिवाइस बनाई जाती है जिसको पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। इसका सिंबल आप ध्यान रख लेना, एरो रिप्रेजेंट करती है पी को और बार रिप्रेजेंट करता है एन को। तो इस डायोड के ऊपर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। आपको छोटी छोटी जानकारियां ध्यान में रखनी है, जैसे फॉरवर्ड बायस के अंदर जब डायोड को कनेक्ट किया जाता है इसका मतलब होता है इसका पी वाला हिस्सा हायर पोटेंशियल से और एन वाला हिस्सा लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव से एन नेगेटिव से। देखो, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल ज्यादा जनरल है, बट आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। तो इसमें क्या होगा कि आपने जो एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है
ध्यान दो, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर से किधर होती है, N टू P, और आपने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है वो कहां से कहां पर है, P टू N। तो ओवरऑल आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म कर देगी, धीरे धीरे आपका पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा और एक वोल्टेज ऐसा आएगा उसके बाद में आसानी से जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर से वो मूव करने लग जाएंगे। तो उसको, जिस पोटेंशियल पर ऐसा चमत्कार होता है उसको नी पोटेंशियल बोला जाता है। तो नी पोटेंशियल तक तो आपका ग्राफ बिल्कुल धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है और उसके बाद में फिर ये जस्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो जब डायोड को फॉरवर्ड बायस के अंदर कनेक्ट किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिलिकन के लिए नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें अगर कहा जाए कि आइडियल डायोड है और फॉरवर्ड बायस के अंदर कनेक्टेड है, पी वाला हिस्सा पॉजिटिव से, एन वाला हिस्सा नेगेटिव से, तो आइडियल डायोड को आप जस्ट एक कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर सकते हो, जबकि सिलिकन बेस्ड डायोड को आप कर तो सकते हो बट आपको एक बैटरी लगानी पड़ेगी 0.7 वोल्ट की। आप इसको कर तो सकते हो बट आपको आप बैटरी लगानी पड़ेगी, एक बैटरी से रिप्लेस करना पड़ेगा 0.3 वोल्ट की, राइट। तो ये नी पोटेंशियल जो है ये आपको डायोड बेस्ड जो सर्किट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के अंदर काफ़ी मदद करेगा। आपको पहले डायोड देखना है, फिर देखना है वो कौन से बायस के अंदर है, और अगर वो फॉरवर्ड बायस के अंदर है तो इन तीनों रूल्स को यूज़ करके आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, फिर नॉर्मल सर्किट्स के रूल्स लगा के आप आसानी से हमारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। रिवर्स बायस के अंदर पॉजिटिव वाला हिस्सा नेगेटिव से और एन वाला हिस्सा पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है, यानी कि अब की बार बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती है, पोटेंशियल बैरियर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होना और ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। जो मूव होते हैं वो बेचारे होते हैं आपके कौन से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर संख्या में बहुत कम होते हैं और जितने भी होते हैं वो सारे के सारे मूव करने लगते हैं, इसलिए आपको सैचुरेटेड करंट मिलती है, इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोला जाता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है तो उसके ऊपर टेम्परेचर का भी बहुत फर्क पड़ता है, रेडिएशन अगर आप डालोगे तो उसका भी बहुत फर्क पड़ेगा, हीट अगर आप दोगे तो भी उसका बहुत फर्क पड़ेगा। खैर, जब आप एक हद से ज्यादा पोटेंशियल बढ़ा देते हो तो आप देखते हो कि अचानक से आपकी जो ये रिवर्स करंट है वो क्या हो जाती है, शूट हो जाती है, एकदम से इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसको बोला जाता है ब्रेकडाउन कंडीशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के पास में इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से कि वो अदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करने लग जाते हैं, फ्री करने लग जाते हैं, और ये जो रिवॉल्यूशन है, ये जो आंदोलन होता है उनका, वो एक्सपोनेंशियली सिग्निफिकेंटली आपके चार्ज कैरियर्स की संख्या को इंक्रीज कर देता है। इस तरीके से करंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। हम नॉर्मली डायोड को कभी भी ब्रेकडाउन वोल्टेज या उससे ज्यादा पर ऑपरेट नहीं करते क्योंकि करंट एकदम से इंक्रीज होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी अचानक से और उसकी वजह से डायोड जल जाएगा। बट ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर आप देख रहे हो कि करंट बहुत ज्यादा वैरी हो रही है जबकि पोटेंशियल आपका ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, तो आप चाहो तो इसको यूज भी कर सकते हो और इसको यूज किया जाएगा जीनर डायोड के अंदर। उससे पहले अगर आपको कोई भी डायोड कभी भी रिवर्स बायस के अंदर दिखाई दे तो आपको पता है कि वो करंट ब्लॉक, रिवर्स सैचुरेशन करंट तो नेग्लिजिबल है ना, माइक्रो एम्पियर्स के अंदर होती है, तो आप बेसिकली उस डायोड को एक ब्रोकन वायर की तरह क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, उस ब्रांच को क्या कर दो आप, हटा दो। स्पेशल पर्पस डायोड्स में जीनर डायोड आपको ध्यान में रखना है, सिंबल मैंने बना ही दिया, बहुत ज्यादा डोपिंग के द्वारा ये बनाया जाता है ताकि ब्रेकडाउन पोटेंशियल को हम कंट्रोल कर सके, डायोड ब्रेकडाउन पर वर्क करने पर भी खराब ना हो। डिप्लेशन लेयर जो होती है, डिप्लेशन रीजन जो होता है वो बहुत ही थिन होता है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशियंटली हाई होती है, तो आपको एक्सटर्नली कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ब्रेकडाउन रीजन के अंदर काम करने लग जाएगा, रिवर्स बायस के अंदर काम करेगा और वोल्टेज रेगुलेटर की तरह पर तरीके से यूज किया जाता है। मैंने बताई दिया कारण। फोटोडायोड एक ऐसा डायोड जिसके ऊपर जब आप लाइट डालोगे, सिंबल तो नाम से भी पता लगा लोगे, तो जैसे आप लाइट डालोगे तो इसके अंदर जो बहने वाली करंट है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जानी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो रेडिएशन, हीट, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको भी किसके अंदर ऑपरेट किया जाता है, रिवर्स बायस के अंदर। रिवर्स करंट जो होती है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसको लाइट को सेंस करने की डिवाइस के तौर पर यूज किया जा सकता है। बात करें एलईडी की तो ये फॉरवर्ड बायस के अंदर ऑपरेट करती है, फॉरवर्ड का मतलब है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूव होना, तो जंक्शन पर होल और इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से मिलेंगे तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग होल और इलेक्ट्रॉन का मिलना मतलब इलेक्ट्रॉन का वापस से कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के अंदर जंप करना, तो इस जंप के फलस्वरूप जो बैंड गैप होगा उतनी एनर्जी का एक फोटोन रिलीज होगा। अगर बैंड गैप इस तरीके का हो
कि इमिट होने वाला फोटोन लाइट की रेंज में पड़ता हो तो फिर आपको वो कलर दिखाई देगा। इसलिए इसको गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट करके जो आपका मटेरियल होता है इसके कंपाउंड से मिलके बनाया जाता है, ठीक है। इनका जो एनर्जी गैप है वो इस तरीके का होता है कि इनसे निकलने वाली लाइट विजिबल लाइट की रेंज में पड़ती है। तो ये सारे के सारे स्पेशल पर्पस डायोड्स हैं। डायोड की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब है कि आपके पास एसी करंट है और आप उसको डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हो, पता नहीं क्यों बट कन्वर्ट करना चाहते हो, तो बेसिकली आपको डायोड बेस्ड डिवाइस यूज करनी पड़ती है। सबसे पहले तो इसके अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, फिर जैसे पॉजिटिव साइकिल आएगा इसका मतलब है ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो आपको ये मिल जाएगा। बट नेगेटिव साइकिल आने पर ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, यानी कि आपका नेगेटिव साइकिल खा जाएगा ये, फिर पॉजिटिव मिलेगा फिर नेगेटिव। तो आपने डीसी तो नहीं बनाई बट एटलीस्ट ऑल्टरनेटिंग करंट को एक साइड के अंदर तो क्या कर दिया, कन्फाइन कर दिया। हालांकि इसमें आपकी जो इफिशियंसी है वो 50% रिड्यूस हो जाती है, आप 50% एनर्जी ब्लॉक कर देते हो। तो इससे भी बेटर डिवाइस होती है आपकी फुल वेव रेक्टिफायर, जिसको दो अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। एक तरीका है सेंटर टैप्ड, ये एक अनोखा ट्रांसफार्मर है जिसमें आउटसाइड पर तीन टर्मिनल्स होते हैं। वैसे तो नॉर्मली ट्रांसफार्मर में इनपुट पे भी दो और आउटपुट भी दो होते हैं, बट यहां पर तीन होते हैं। तो एक डायोड ऊपर और एक डायोड नीचे लगाया जाता है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो एक डायोड कंडक्ट करता है और एक डायोड ब्लॉक कर देता है, बट करंट फ्लो होती है इस रजिस्टर के थ्रू। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो ये ब्लॉक हो जाएगा बट ये कंडक्ट करने लगेगा, अल्टीमेटली रेजिस्टेंस के थ्रू सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होगी। तो आप भले ही पॉजिटिव साइकिल ला रहे हो या फिर नेगेटिव साइकिल ला रहे हो, इस रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम है, यानी कि आपका जो आउटपुट है वो कैसा मिलता है, भले पॉजिटिव साइकिल हो तो भी ऐसा, नेगेटिव साइकिल हो तो भी ऐसा, पॉजिटिव हो तो भी ऐसा, नेगेटिव हो तो भी ऐसा। क्योंकि ये सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर जो है इसको बनाना महंगा है, इनिफिशियंट है, तो हम इसकी जगह चार डायोड भी यूज कर सकते हैं। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होगा कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये और ये तो कंडक्ट करेंगे और ये ब्लॉक कर देंगे, तो करंट यहां से जाएगी इधर जाएगी, इधर जाके निकल जाएगी। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये और ये ब्लॉक कर देंगे और ये कंडक्ट करेंगे, तो करंट इधर जाएगी अगेन इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम डायरेक्शन में जाएगी, फिर यूं जाके फिर निकल जाएगी। तो अल्टीमेटली आपकी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है वो सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही है, यानी कि आउटपुट आपको एक ही डायरेक्शन के अंदर मिल रहा है। इसलिए आपने सक्सेसफुली एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करना सीख लिया, नॉट डीसी बट एक डायरेक्शन के अंदर कन्वर्ट करना सीख लिया, ठीक है। अब इसको ओवरऑल डीसी में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं, नॉर्मल आरसी फिल्टर होता है उसको यूज करते हैं। खैर हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, इनफैक्ट इनके ऊपर भी क्वेश्चन नीट के अंदर तो बहुत कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी आपको ध्यान में रखने के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने आपको बता दी कि फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर्स क्या होते हैं। अब ट्रांजिस्टर के ऊपर आ जाते हैं। ट्रांजिस्टर दो तरीके के होते हैं, एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। और पीएनपी को हम कैसे शो करेंगे, एरो के द्वारा। पी से एन की तरफ जा रही है ना, तो ये पी हो जाएगा, ये एन हो जाएगा और ये पी, इधर पी से एन, तो ये पी हो जाएगा, एन हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। इसमें एक टर्मिनल कहलाता है एमिटर, एक कहलाता है बेस और एक कहलाता है कलेक्टर। जो एमिटर होता है वो मॉडरेट इन साइज होता है बट हाईली डोप्ड होता है। जो कलेक्टर होता है वो लार्ज इन साइज होता है बट मॉडरेटली डोप्ड होता है। और जो बेस है वो सैंडविच्ड होता है इन दोनों के बीच के अंदर, और उसका जो रीजन, उसकी जो साइज है वो भी बहुत कम होती है और उसके अंदर डोपिंग भी बहुत ही कम रखी जाती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है वो आपको समझ में आएगा यहां पर, जब आप ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझोगे और जानोगे कि ट्रांजिस्टर को आखिर में ट्रांजिस्टर क्यों बोला जाता है। तो आप क्या करते हो, इसके अंदर दो पीएन जंक्शन है, एक तो एमिटर और बेस वाला और एक बेस और कलेक्टर वाला। तो आप एमिटर और बेस वाले जंक्शन को तो फॉरवर्ड बायस से कनेक्ट कर देते हो, जैसे ये एन था ना, तो एन को नेगेटिव से और पी वाले हिस्से को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया। और ये वाला जो है ये आपका क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। जानबूझ के आप ऐसा करते हो क्योंकि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव स्टेट के अंदर वर्क करता हुआ माना जाता है। क्यों एक्टिव स्टेट में माना जाता है, तो जब आप इसको फॉरवर्ड बायस के अंदर कनेक्ट करोगे, तो हमने डायोड में पढ़ा था कि फॉरवर्ड बायस के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो भर भर के जंक्शन के अक्रॉस क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो यहां से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो बहुत ही अधिक संख्या में कहां पर पहुंच जाएंगे, बेस के अंदर पहुंच जाएंगे। जैसे मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, अब उन 1000 इलेक्ट्रॉन्स को खत्म करने के लिए बेस के अंदर होल्स तो बहुत ही कम है, 10 ही हैं।
तो केवल और केवल 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिप्लेट होंगे, 990 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच जाएंगे। अब वो जो 990 इलेक्ट्रॉन इस पी टाइप बेस के अंदर गए हैं, पी टाइप बेस के अंदर, तो पी टाइप बेस में जो 990 इलेक्ट्रॉन मेहमान बन के गए हैं वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कौन सपोर्ट करता है, आपका रिवर्स बायस सपोर्ट करता है, हमने डायोड के अंदर पढ़ा था। तो तुरंत उन 990 इलेक्ट्रॉन को आपका रिवर्स बायस जो है वो खींच के कहां पर ले जाएगा, कलेक्टर के पास में ले जाएगा। याद रखो ये जो करंट यहां पे जा रही थी इसके पास में दो रास्ते थे, एक तो ये वाला रास्ता था जो कि फॉरवर्ड बायस्ड था, फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, कंडक्टिंग होता है ना डायोड, और एक ये वाला रास्ता था जो कि रिवर्स बायस था। रिवर्स बायस में आपने देखा था हम ब्रोकन वायर की तरह यूज करते हैं, मतलब ये वाला रास्ता हाई रेजिस्टेंस वाला था और ये वाला रास्ता लोअर रेजिस्टेंस वाला था। अगर आप नॉर्मल करंट की बात करते तो नॉर्मली करंट जो है वो लोअर रेजिस्टेंस वाले रास्ते को पकड़ती है और हायर रेजिस्टेंस वाले रास्ते को क्या करती है, एमिट सॉरी एस्केप करती है उससे, बचती है उससे, अगर आप रेजिस्टेंसेस के थ्रू ये काम करते तो। बट आपने पहली बार एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि करंट को ऑलमोस्ट सेम रखते हुए, यहां से 1000 गए थे और लगभग 990 इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गए, तो करंट को ऑलमोस्ट सेम रखते हुए उसको लोअर रेजिस्टेंस वाली साइड से कहां पर ट्रांसफर कर देता है, हायर रेजिस्टेंस वाली साइड पर ट्रांसफर कर देता है। एंड ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर से ही मिलके बना है ट्रांजिस्टर, दैट्स व्हाई इट वाज अ रिवॉल्यूशनरी डिवाइस, इसीलिए नोबेल प्राइज मिला था इसको इन्वेंट करने वाले बंदे को। खैर, हर डायोड हर ट्रांजिस्टर के लिए एमिटर करंट जो होगी वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होगी, क्योंकि बेस करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, तो एमिटर करंट और कलेक्टर करंट आपस में एक दूसरे के इक्वल होती है। अल्फा जो होता है वो IC अपॉन IE होता है, इसकी वैल्यू लगभग 1 या उससे थोड़ी सी कम होती है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसको कहा जाता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बीटा कहा जाता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, उसमें आउटपुट करंट IC होती है बट इनपुट करंट IB होती है, तो IC डिवाइडेड बाय IB, क्योंकि IB IC के कंपैरिजन में बहुत कम है इसलिए बीटा की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होती है। अल्फा को बीटा में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, और बीटा को अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। तो ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। ट्रांजिस्टर दो अलग अलग तरीके से वर्क कर सकता है, तो ये दोनों जो डायग्राम्स मैंने बनाए हैं ये केवल और केवल इसलिए बनाए हैं ताकि आपको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर पूछा जाए तो आप इन दोनों जो डायग्राम्स हैं उनका यूज कर सको। ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है PNP ट्रांजिस्टर या NPN ट्रांजिस्टर, राइट। आपको स्विच के तौर पर दो ही इक्वेशन ध्यान रखनी है, एक तो VI इज इक्वल टू IBRB प्लस VB जो कि आप आसानी से निकाल सकते हो KVL लगा के, यहां से यहां जाओगे VI, यहां से यहां जाओगे तो माइनस IBRB, और ये जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस वो VBE के इक्वल है। VBE आपका ऑलमोस्ट फिक्स होता है, 0.6 या 0.7 वैल्यू होती है, तो जितना ज्यादा VI होगा उतनी ज्यादा करंट IB होगी। ऐसे VO जो होगा वो VCC माइनस ICRC होगा, ये आप कहां से पता लगा सकते हो, इसके अक्रॉस KVL लगा के, यहां से यहां गए VO, यहां से यहां गए माइनस ICRC, और यहां से यहां गए तो प्लस VCC, तो VO जो हो जाएगा वो VCC माइनस ICRC के इक्वल हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये दोनों इक्वेशंस डायरेक्ट ध्यान रख लो, ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज होने की बजाय। अब देखना है स्विच की तरह कैसे काम करता है। अगर आपका इनपुट वोल्टेज VBE से भी कम है, 0.7 वोल्ट से भी कम है, इसका मतलब है आपकी IB की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव का मतलब है ऑलमोस्ट जीरो, या नेगेटिव का मतलब है आपका ये वाला साइड भी क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया, ये भी रिवर्स ये भी रिवर्स, ये कहलाता है आपका कट ऑफ स्टेट, राइट। तो डायोड आपका कट ऑफ रीजन के अंदर काम करेगा जब VI बहुत कम होगा, और कट ऑफ के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होती, तो IC की वैल्यू जीरो हो जाएगी, VO सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, VCC, तो आउटपुट वोल्टेज तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेगा। इसका उल्टा जब VI बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा कि ये भी फॉरवर्ड में और यहाँ पे करंट इतनी ज्यादा कि ये भी फॉरवर्ड में हो जाए, तो ICRC जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, VCC के इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि जब VI की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो VO जो होता है वो ऑलमोस्ट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसको कहा जाता है सेचुरेशन स्टेट, इसके बीच में एक्टिव स्टेट होती है। तो अगर आप ये इंश्योर करो कि ट्रांजिस्टर आइदर कट ऑफ और सेचुरेशन स्टेट के अंदर है तो वो स्विच की तरह काम कर सकता है, एक कंडीशन में वो अलाउ कर रहा है आउटपुट को और एक कंडीशन में वो ब्लॉक कर रहा है, स्विच का काम यही तो होता है। और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर सेम सर्किट है, इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है जो भी आपने इनपुट दिया है आउटपुट को नोटिस करो उसका जस्ट उल्टा आ रहा है, पहले पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव आया है, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव आया, इसका मतलब है इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री यानी कि पाई फेज डिफरेंस होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, कंडक्टिंग
करंट गेन का फॉर्मूला ध्यान रखना, डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई वी, वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस बीटा टाइम्स आरसी डिवाइडेड बाय जो भी इनपुट रेजिस्टेंस है वो मिल जाएगा आपको। इनपुट में इसका रेजिस्टेंस और कई बार इसका भी रेजिस्टेंस दे दिया जाता है, दोनों को ऐड करना होता है। पावर गेन के अंदर करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस बीटा स्क्वायर आरसी डिवाइडेड बाय आरइन की वैल्यू आ जाती है, राइट। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको सारे के सारे ध्यान में रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड हो जाएंगे। मैंने ऑल दो बहुत कोशिश करी है आपको कि छोटे छोटे कंसेप्ट के थ्रू पूरा चैप्टर एक बार गो थ्रू करवाया जाए, बट फिर भी अगर आप कंसेप्ट को बहुत ज्यादा डेप्थ पर जाकर नहीं देखना चाह रहे हैं तो आप एटलीस्ट इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जो लास्ट सेक्शन है वो है हमारा लॉजिक गेट्स का, जिसपे से एक क्वेश्चन का आना लगभग तय होता है। तो नॉट गेट है, सिंबल आप देख लो इसका, ट्रुथ टेबल अगर जीरो डालोगे तो वन, वन डालोगे तो जीरो। और गेट है, सिंबल आप देख लो, इसको a प्लस बी क्यों लिखा जाता है ये आपको पता पड़ जाएगा इसके ट्रुथ टेबल से, कि जब a और b दोनों जीरो होते हैं तो ये भी जीरो हो जाता है, एक जीरो और एक वन होने पर ये वन हो जाता है, तो या तो ये वन हो या ये वन हो, दोनों ही कंडीशन में आउटपुट वन मिलेगा, और दोनों ही वन हो जाए तो और भी बढ़िया बात है, आउटपुट वन मिलना ही मिलना है। तो लगभग सम जैसा है, लगभग सम जैसा है, इसलिए इसका जो सिंबल है वो प्लस बनाया गया है। एंड गेट, इसमें डॉट सिंबल दिया गया है, क्यों? क्योंकि ये तभी वन होता है जब दोनों वन हो, तो इस केस में भी जीरो हो जाएगा, इस केस में भी जीरो हो जाएगा, इस केस में भी जीरो हो जाएगा, इस केस में वन होगा। तो ये आप देख पा रहे हो कि मल्टीप्लीकेशन से मिलता जुलता है, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इसलिए इसको डॉट सिंबल दिया गया, ठीक है। एक्सऑर गेट का मतलब होता है एक्सक्लूसिवली और, एक्सक्लूसिवली और का मतलब है कि दोनों समान नहीं होने चाहिए, तो जब दोनों जीरो है तब भी जीरो हो जाता है और जब दोनों वन है तब भी जीरो हो जाता है, दोनों अलग अलग तरीके के होंगे तभी ये आउटपुट कितना देता है, वन देता है। तो इसका सिंबल और इसका जो भी हमने जो ऑपरेटर है वो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। नैंड गेट का मतलब होता है नॉट एंड, यानी कि एंड गेट था ना उसका जस्ट उल्टा, यहाँ पे जीरो था यहाँ पे बना गया, यहाँ पे जीरो तो बना गया, यहाँ पे जीरो तो बना गया, बना गया तो जीरो आ गया। तो इसका सिंबल देख लो, एंड था और नॉट का ये बबल उठा के दोनों को मिला के सिंबल बना दिया गया। इसको ए डॉट बी होल बार भी लिखा जा सकता है या ए बार प्लस बी बार भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही नॉर गेट की आप बात करोगे, सिंबल और गेट और नॉट गेट के बबल को लेके बनाया गया, इसको ए प्लस बी का बार भी लिखा जा सकता है या ए बार डॉट बी बार भी लिखा जा सकता है। इसके ट्रुथ टेबल और गेट के कंपैरिजन में जस्ट क्या होगी, उल्टी होगी, जैसे ये जीरो है तो वहां पर वन, यहां पर वन है तो वहां पर जीरो, यहां पर वन जीरो, वन जीरो, ठीक है। तो आप बेसिक तीन गेट्स की ट्रुथ टेबल ध्यान रख सकते हो, बाकी के लिए आप केवल और केवल कंसेप्ट ध्यान रखो, आप आसानी से बना सकते हो। एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी है कि नॉर गेट और नैंड गेट इन दोनों को यूनिवर्सल गेट्स बोला जाता है, क्योंकि आप चाहो तो इनसे जैसा चाहो वैसा गेट बना सकते हो। जैसे आप नॉट गेट बना सकते हो नॉर को यूज करके, आप सिंपल एक नॉर गेट लो, इनके दोनों इनपुट को एक ही चीज कर दो तो अपने आप ही ए डालोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए बार। आप और से और बना सकते हो नॉर गेट को यूज करके, तो आपने नॉर गेट यूज किया, यहाँ पर आपको ए प्लस बी बार मिला, और अभी अभी आपने देखा था कि ये वाली चीज किसकी तरह बिहेव करती है, नॉट की तरह, तो बार और बार वापस में कैंसिल हो जाएंगे, वापस से क्या मिल जाएगा, आपको ए प्लस बी मिल जाएगा, तो और गेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। और अगर आप चाहो तो नॉर से एंड गेट भी बना सकते हो, इसके लिए आप पहले ये लो तो ए को ए बार बना देगा, ये लो ये बी को बी बार बना देगा, फिर यहां से ए बार गया यहां से बी बार गया तो ए बार प्लस बी बार का होल बार मिल रहा है, और इसी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए डॉट बी के इक्वल होती है। सेम चीज आप नैंड गेट के थ्रू भी कर सकते हो, आप यहां से सेम इनपुट को दोनों इनपुट्स के अंदर डाल दो तो अपने आप ही ए से आपको ए बार मिल जाएगा। आप चाहो तो एंड गेट भी बना सकते हो नैंड से, तो आपने नैंड लिया ए डॉट बी बार मिला, इसको नॉट की तरह बिहेव कर ही रहा था आपने देखा था, तो बार से बार हटके ए डॉट बी रह जाएगा, यहाँ पे ए लो ए बार मिलेगा, बी लो बी बार मिलेगा, यहाँ से ए बार डॉट बी बार जाएगा, उसका होल बार करोगे तो ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर ये आप कैसे कर रहे हो, तो इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे बूलियन अलजेब्रा के रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं। जैसे आप वन के साथ कोई भी इनपुट डालोगे तो हमेशा आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। कोई भी इनपुट और उसका नेगेटिव इनपुट उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि अगर इसको वन डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा और इसको जीरो डालोगे तो ये वन हो जाएगा, एक हमेशा जीरो रहेगा इसलिए हमेशा जीरो आएगा। ए प्लस ए बार हमेशा वन आएगा क्योंकि इनमें से एक हमेशा वन होगा, ठीक है ना। ए डॉट बी बार अगर आप लोगे तो आप इस बार को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ए और बी को अलग अलग दे सकते हो, बस आपको केवल और केवल एक नुकसान उठाना पड़ेगा कि आपका सिंबल चेंज हो जाएगा, डॉट चेंज हो जाएगा प्लस में
और प्लस चेंज हो जाएगा डॉट के अंदर, ये डी मोवियर्स थ्योरम कहलाती है, ठीक है, बट ठीक है, सॉरी नॉट डी मोवियर्स, इट इज कॉल्ड मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है, बट नाम अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और कभी बार का दोबारा बार करते हैं तो वापस से अपनों को एक नॉर्मल इनपुट मिल जाता है, तो ए बार होल बार जो होता है वो सिंपली ए के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट्स और ये जो गेट्स मैंने बताए हैं, तो अभी तो आपको क्या करना है, केवल और केवल इन गेट्स के सिंबल और इनकी जो ट्रुथ टेबल है वो आपको ध्यान में रखनी है, और ये बूलियन एलजेब्रा के जो रिजल्ट्स है वो आपको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इनको और इन सारी की सारी ट्रुथ टेबल को यूज करके चुटकियों के अंदर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो ये तीन पेजेस है, आप इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं शुरुआत से बता देता हूं आपको, ये आपका फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये सेकंड पेज है, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये थर्ड पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब पहले तो जो बच्चे बोर्ड के अंदर अपीयर होने वाले हैं उनकी समस्या बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि मैंने ट्राई किया है सेमीकंडक्टर को बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब आपको लिखना कैसे हो तो आप डिसाइड करना, बट आपको कंसेप्ट जो है वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर मिल चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, राइट। तो क्वेश्चंस अपन उठाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, टू साइड्स ऑफ ए सेमीकंडक्टर जर्मेनियम क्रिस्टल ए एंड बी आर डोप्ड विद आर्सेनिक एंड इंडियम, ठीक है, इसमें ए एस डाला गया है, ठीक है, और इसमें इंडियम डाला गया है, दे आर कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन फिगर, द करेक्ट ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर द एग्रीमेंट। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया गया, हालांकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा पी टाइप है और कौन सा एन टाइप है। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये जो आर्सेनिक है ये किस टाइप की इंप्योरिटी है, तो आप सब पता लगा लोगे कि सर ये तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, ठीक है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अगर मिलाई जाती थी तो किस तरीके का बनता था, एन टाइप मटीरियल बनता था, कोई दिक्कत इसके अंदर। ऐसे ही इंडियम जो है, ठीक है, इंडियम जो है बैंगन आलू गाजर इन थेला ये सारी की सारी जो कॉलम है इसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे, तो ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है, राइट। और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जब अपन मिलाते थे तो जो मटेरियल बनता था वो कैसा बनता था, पी टाइप मटेरियल बनता था। तो ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। अब देखो एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया और पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया, इसका मतलब ये किस बायस के अंदर है, रिवर्स बायस के अंदर है। और रिवर्स बायस का जो ग्राफ होता है वो आपको सबको पता है कैसा होता है, ऑप्शन नंबर वन जैसा होता है, कुछ टाइम तक सैचुरेटेड रहेगा और फिर एकदम से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया है यार, यही ब्यूटी है नीट एग्जामिनेशन की, छोटी छोटी बातें हैं बट उनको इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन 1.5 इनटू 10 रे टू पावर 16। तो आपको एन आई दे दिया गया है 1.5 इनटू 10 रे टू पावर 16 पर मीटर क्यूब, ठीक है। डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस एनएच टू, तो फिर एन एच आपको दे दी गई है 4.5 इनटू 10 रे टू पावर 22 पर मीटर क्यूब, और जब आप एन ई मतलब मान लो इस तरीके का मतलब कि एन ई आप फाइंड आउट करना चाहो, तो मैंने बताया था एन ई और एन एच का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एन आई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एन ई जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन आई स्क्वायर। तो 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 2.25, 10 रेज़ टू पावर 16 का स्क्वायर करोगे तो 10 रेज़ टू पावर 32 डिवाइडेड बाय एन एच 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा ऊपर चला जाएगा 10, ये पॉइंट चले जाएगा नीचे आ जाएगा 100, ये 15 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 15 से 15 टाइम्स, ये 3 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 5, ये 22 प्लस 2 24 हो गए, ये 33 हो गए, और 33 में से जब 24 चले जाएंगे तो आपके बचेंगे 6 प्लस 3 9 यानी कि 5 इंटू 10 रेज टू पावर 9 पर मीटर क्यूब, ये इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी होनी चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द जंक्शन डायोड शोन बिलो आर फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। हालांकि डायोड बहुत छोटा हो गया, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं बना देता हूं, ऐसे डायोड कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है, यहां पर भी इस तरीके से ये डायोड कनेक्ट किया गया है। अब देखो डायोड का सिंबल तो सबको पता ही है,
बायस के बारे में भी सबको पता है। तो यहां पे नोटिस करो, पॉजिटिव साइड -5 वोल्ट पर है और नेगेटिव साइड -10 वोल्ट पर है, ठीक है। आपको पता है नेगेटिव नंबर पे -5 जो होता है वो बड़ा नंबर होता है -10 से। तो आप कह सकते हो कि सर पॉजिटिव साइड हायर पोटेंशियल पर है इन कंपैरिजन विद नेगेटिव साइड, एंड दैट्स व्हाई दिस कॉन्फ़िगरेशन विल बी इन फॉरवर्ड बायस। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी अपन अदर को भी देखते हैं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइड +5 पर है और नेगेटिव साइड +10 पर है, तो आप कह सकते हो कि सर पी टाइप इज एट लोअर पोटेंशियल इन कंपैरिजन विद एन टाइप। इसमें प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा, आपको हायर और लोअर वाली चीज देखनी पड़ेगी, राइट। इसमें देखो ये ग्राउंड पर है, इसका मतलब 0 वोल्ट होता है, और यहां पे आपको दे रखा होगा जैसे सपोज करो -5 वोल्ट। तो आप देख रहे हो कि पी टाइप इज एट लोअर पोटेंशियल इन कंपैरिजन विद एन टाइप, ठीक है। सेम चीज यहां पर है आपकी, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडियल जंक्शन डायोड D1 एंड D2 आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, अ 3 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। यहां पर 3 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी जानी है। द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इफ इट्स पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ए, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल है इधर और नेगेटिव टर्मिनल है इधर, इस तरीके से कनेक्ट करिए। चलो तो देखो हम देखेंगे इसका एन वाला हिस्सा पॉजिटिव से कनेक्टेड है और पी वाला हिस्सा नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस के अंदर होगा। मैंने बताया था रिवर्स बायस के अंदर आप पूरी की पूरी ब्रांच को क्या कर सकते हो, गायब कर सकते हो। इसका पॉजिटिव हिस्सा पी से, नेगेटिव हिस्सा एन से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस में आप सिंपल कनेक्टिंग वायर मान सकते हो। तो अब क्या हो गया, 3 वोल्ट की बैटरी है और 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 3 / 10, यानी कि 0.3 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाना चाहिए। जब तक कहे नहीं तब तक आपको आइडियल डायोड ही लेने, वैसे इसमें तो कह भी रखा है, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 एंड स्मॉल R इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड इन फॉरवर्ड बायस, तो इसका खुद का रेजिस्टेंस स्मॉल R है, देन करंट थ्रू द डायोड इज, अब देखो V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 का मतलब है ये वाला जो P से जुड़ा हुआ हिस्सा है वो हायर पोटेंशियल पर है इस वाले हिस्से, यानी कि जो एन से जुड़ा हुआ है उसके कंपैरिजन में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ओवरऑल वो V1 माइनस V2 हो जाएगा, और ओवरऑल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो स्मॉल R प्लस कैपिटल R हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, R इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड इन फॉरवर्ड बायस, देन द करंट थ्रू द डायोड्स इज, हाँ तो अपनों ने सही निकाला है। इनफैक्ट बैटरीज जो है उनको अपनों को थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, यहां से यहां पर जाएंगे तो V1 और इधर से जाएंगे तो इधर V2, तो ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा आपका, V1 प्लस V2 हो जाएगा। ओके, ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए कि V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय R प्लस R इतनी करंट फ्लो होनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपनों ने चेक किया कि ये फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में, अगर रिवर्स में होता तो हमारी करंट कितनी हो जाती, 0 हो जाती। फिर हमने सिंपली केवल और केवल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस V1 है और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, -V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो या तो -V1 + V2 हो जाएगा या +V1 + V2 हो जाएगा, आपको तो मैग्नीट्यूड लेनी है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को आपने R + R से डिवाइड कर दिया, और इस तरीके से आप आसानी से काम कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। VA एंड VB डिनोट पोटेंशियल ऑफ A एंड B एंड देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द एडजॉइनिंग सर्किट इज, VA एंड VB डिनोट द पोटेंशियल ऑफ A एंड B then the equivalent resistance between A and B in the adjoining circuit. तो सबसे पहला लिखो, अगर VA VB से बड़ा हो, ये वाली साइड इस वाली साइड से ज्यादा पोटेंशियल पर हो, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो इसको कनेक्टिंग वायर की तरह मान सकते हैं, फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, और 30 और 30 का पैरेलल कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। बाकी और भी चेक कर लेते हैं। इफ VA इज लेस देन VB, अगर VA इज लेस देन VB है, ठीक है, तो उस कंडीशन में
VA इज लेस देन VB होने की वजह से ये रिवर्स बायस में हो गया, ये रिवर्स बायस में हो गया तो ये ब्रांच ही चली जाएगी, तो A और B के बीच का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमें लगा के आना है जिसमें कहा गया है कि बोथ A एंड B आर करेक्ट, एंड ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, वो कह रहा है कि भाई ना तो A सही है ना B सही है, नहीं ऑप्शन नंबर 3 सही है, राइट, 1 और 2 भी सही है, बट ऐसे केस में हमें ऑप्शन नंबर 3 लगा के आना होता है, ठीक है ना, एक ही तो ऑप्शन लगाना है हमें, तो ये चीज ध्यान में रखना। इफ अ चेंज ऑफ 100 माइक्रो एम्पियर इन द बेस करंट ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कॉजेस अ चेंज ऑफ 10 मिली एम्पियर इन द कलेक्टर करंट, यानी कि डेल्टा आई बी तो आपको दे रखा है 100 माइक्रो यानी कि 10^-6 एम्पियर, और डेल्टा आई सी आपको दे रखा है 10 मिली यानी कि 10^-3 एम्पियर, इसका मतलब हो जाएगा 10^-4 एम्पियर और इसका हो जाएगा 10^-2 एम्पियर। तो जो बीटा होता है करंट गेन वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बी, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, तो डेल्टा आई सी की वैल्यू तो है 10^-2 और इसकी वैल्यू है 10^-4, ये ऊपर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 में से माइनस 2 जाएंगे तो 10^2 बचेंगे, यानी कि 100 आपका आंसर आ जाना चाहिए, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग कॉमन इमिटर सर्किट इफ बीटा आपको दिया हुआ है VCE, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 7 वोल्ट दे रखा है, VBE नेग्लिजिबल बता रखा है और RC की वैल्यू आपको दे रखी है 2 किलो ओम, देन IB की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करेंगे, जो चीजें हमें दी हुई है उनको यूज करके कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे हमें इस ब्रांच की सारी चीजें दी हुई है, ये करंट हम अगर निकाल लें तो फिर हम आईबी तक पहुंच सकते हैं, तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं अपन, तो अपन केवीएल लगाया करते थे, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां पर आएंगे तो हमारे सामने आएगी बैटरी, हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहे हैं, यानी कि हम लिखेंगे पॉजिटिव 15, फिर हम यहां तक आ जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए माइनस आई सी आर सी, आई होप आता होगा सबको केवीएल लगाना, फिर इधर से इधर आ रहे हैं तो हम लिखेंगे माइनस VCE और वापस से घूम फिर के यहां पॉइंट पर आ गए, ये और ये सेम ही पॉइंट है, इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से IC की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी 15-VCE/RC, यानी कि 15-7/2 किलो का मतलब होता है 10^3, 8/2 × 10^3 यानी कि 4 × 10^-3 एम्पियर, और हमें बताया कि बीटा किसके इक्वल होता है, IC/IB, तो IB की वैल्यू अब बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है क्योंकि हमारे पास में IC आ चुका है 4 × 10^-3 और बीटा कितना दे रखा है हमें 100, ठीक है, जैसे ही हमें 100 दे दिया तो 4/100 को लिखा जा सकता है 0.04 और 10^-3 को लिखा जा सकता है मिली एम्पियर, तो 0.04 मिली एम्पियर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट, ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन को देखते घबरा जाते हैं, बहुत आसान है ये सारी की सारी चीजें, राइट, तो कुछ नहीं है इनके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ 500 ओम रजिस्टर इन द कलेक्टर सर्किट, यानी कि आरसी की वैल्यू आपको दे रखी है 500 ओम और जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो आपको दे रखा है 0.5 वोल्ट, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरसी इज नथिंग बट 0.5 वोल्ट, तो जो आरसी के थ्रू करंट फ्लो होती है, आरसी के थ्रू कौन सी करंट फ्लो होती है, आईसी, तो आईसी की वैल्यू हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, वोल्टेज अक्रॉस आरसी डिवाइडेड बाय आरसी यानी कि 0.5/500, पॉइंट हटेगा, जीरो लग जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 × 10^-3 एम्पीयर, ठीक है, यहां तक की बात आ गई। When the collector supply voltage is 5 volt, if the current gain in the common base mode is 0.96, ध्यान दो, current gain हमें beta नहीं दिया हुआ, हमें common base वाला current gain दिया हुआ है और वो 1 से कम है, यानी कि हमें alpha दिया हुआ है 0.96, अब beta अगर हमें निकालना हो तो हमारे पास formula है alpha upon 1 minus alpha, यानी कि 0.96 divided by
वन माइनस 0.96 करेंगे तो 0.04, पॉइंट से पॉइंट तो हट ही जाएगा, 4 से 96 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 टाइम्स यानी कि बीटा की वैल्यू आ जाएगी 24। और जैसे ही हमारे पास में बीटा की वैल्यू आ गई, जैसे ही हमारे पास में आरसी आईसी आ गई, तो अब हम आई भी निकाल सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी निकाली थी, इज नथिंग बट आईसी डिवाइडेड बाय बीटा, 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 24, यानी कि इसको 1/24 मिली एम्पियर भी आप लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम ऑफ अ लॉजिक सर्किट इज गिवन बिलो, द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो हमें सारे गेट पहचानने में आ रहे हैं ना, ये और है, ये भी और है और ये एंड है। सबसे पहले तो आपको गेट्स पहचानने आने चाहिए, राइट? तो और का ऑपरेशन क्या करता है, इधर से डब्ल्यू आ रहा है, इधर से एक्स आ रहा है, तो क्या बना देगा इसको, डब्ल्यू प्लस एक्स बना देगा, इधर से डब्ल्यू आ रहा है, इधर से वाई बना देगा, तो ये डब्ल्यू प्लस वाई बन जाएगा, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो आपका फाइनल आउटपुट आएगा डब्ल्यू प्लस एक्स डॉट डब्ल्यू प्लस वाई। अब सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि यार आंसर यही है क्या, बट ये तो नहीं दिया हुआ, तो फिर इसको अपन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डब्ल्यू डॉट वाई, फिर एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स डॉट डब्ल्यू, और फिर एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स डॉट वाई। देखो डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू के इक्वल होता है, ए डॉट ए ए के इक्वल ही होता है, तो यहां पर तो आ जाएगा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डॉट वाई प्लस, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट वाई, इन तीनों में से डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा वन प्लस, थोड़ा ऑर्डर चेंज कर देते हैं, एक्स प्लस वाई, और यहां पे बच जाएगा एक्स डॉट वाई। अब वन प्लस समथिंग, मैंने बूलियन अलजेब्रा के फॉर्मूलास बताए थे, वन प्लस ए किसके इक्वल होता है, ऑलवेज वन के इक्वल होता है, तो ये पूरा का पूरा वन के इक्वल हो जाएगा, तो केवल और केवल बच जाएगा डब्ल्यू प्लस एक्स डॉट वाई, ये आपको ऑप्शन के अंदर दिखाई दे जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास में बूलियन अलजेब्रा के जो ऑपरेशन है वो ऑलरेडी रखे हुए हैं और बहुत ही आसान है। इसका एक तरीका है, हालांकि वो थोड़ा लंबा है, उसमें आप क्या कर सकते हो, W, X और Y इनके ट्रुथ टेबल बना सकते हो, कि W की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, X की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, Y की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, हर कॉम्बिनेशन के लिए आप आउटपुट की वैल्यू निकाल लो, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो चारों ऑप्शन है इनकी भी सबकी ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, और जिस ऑप्शन की ट्रुथ टेबल आपकी ट्रुथ टेबल से मैच कर जाएगी वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बट ये लंबा मेथड है, टाइम हो और पूरा पेपर कर लिया हो तब इस मेथड से करना है, राइट, वरना ये मेथड सबसे आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्टली द ट्रुथ टेबल ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ गेट्स शोन हियर, तो यहाँ पे वैसे तो अपन ट्रुथ टेबल बनाने वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट ट्रुथ टेबल जो है वो फाइंड आउट करनी है, बट फिर भी मैं आपको इसको पहले डायरेक्ट मेथड से करके बताऊंगा। देखो यहां से ए है, ये नॉट गेट है, तो इधर क्या आ रहा होगा, ए बार, यहां से सीधा बी आ रहा है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर से आ रहा है ए बार डॉट बी, यहां से सीधा ए आ रहा है, और यहां से नॉट गेट की वजह से क्या आ रहा है, बी बार, तो यहां पे मिलेगा आप लोगों को ए डॉट बी बार, और ये और गेट है तो इनको क्या कर देगा, एड कर देगा, तो ए बार बी प्लस ए बी बार। आपको सबको पता है कि ये लॉजिक किसके लिए यूज किया था हमने, एक्सक्लूसिव और गेट के लिए यूज किया था, किसके लिए यूज किया था, एक्सक्लूसिव और गेट, तो इनमें से देखो एक्सक्लूसिवली और गेट के लिए जो ट्रुथ टेबल बना करती थी वो कौन सी है, तो आप देखो कि यार ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। थोड़ा टाइम बचेगा अगर आपको ये लॉजिक जो है वो फॉलो करना आता है, अदरवाइज हम ट्रुथ टेबल के थ्रू भी कर सकते थे, हम ए की वैल्यू लेंगे, बी की वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 0 0, तो इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे सीधा 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे सीधा का सीधा 0 आ जाएगा, इधर सीधा का सीधा 0 आ जाएगा, और इधर उल्टा होके क्या आ जाएगा, 1। फिर देखो 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा आपका 0, इधर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 0, इधर से 0 इधर से 0 दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा 0, तो आउटपुट कितना आएगा 0। फिर यहां पे 0 और यहां पे 1, इधर 0 का मतलब है इधर अगेन 1, इधर 0 का मतलब है इधर अगेन 0, इधर 1 का मतलब है इस बार इधर 0, और इधर 1 का मतलब है इस बार 1, तो 1 × 1 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 1,
और जीरो इंटू जीरो मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा जीरो, इधर से वन इधर से जीरो, तो आपकी बार आंसर कितना आ जाएगा वन, तो यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन, तो आंसर आ गया वन। फिर इधर वन रखते हैं और इधर जीरो रखते हैं, वन का उल्टा जीरो, इधर वन डायरेक्ट, इधर जीरो डायरेक्ट, और जीरो का उल्टा वन, यहाँ पे जीरो है यहाँ पे जीरो है, तो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा जीरो, यहाँ पे वन है यहाँ पे वन है, मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा वन, इधर से जीरो आ रहा है इधर से वन आ रहा है, अल्टीमेटली आंसर कितना आना चाहिए वन, तो वन जीरो पर भी आंसर कितना आ रहा है वन, फाइनल बच गया वन वन, तो इधर भी वन इधर भी वन, ये वन का उल्टा जीरो, यहाँ पे वन डायरेक्ट, यहाँ पे वन डायरेक्ट, यहाँ पे वन का उल्टा जीरो, इधर से जीरो इधर से वन, मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा जीरो, इधर वन इधर जीरो, मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा जीरो, जीरो जीरो जाके अल्टीमेटली कितना आ जाएगा जीरो, यहाँ पर आ गया आपका जीरो। तो ये ट्रुथ टेबल आपकी किससे मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर थ्री से मैच कर रही है। अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप 20 क्वेश्चन भी इस तरीके के कर लेते हो, तो आपकी इसमें भी स्पीड जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन सर्किट इन द फिगर इज, तो इसको अपन इसी तरीके से करते हैं, हम इसकी वैल्यू सबसे पहले जीरो लेते हैं, तो ये सीधा सीधा यहां पर जीरो पहुंच जाएगा, और इधर से जीरो का उल्टा कितना पहुंचेगा वन, इसकी वैल्यू पे अपन जीरो लेते हैं, तो सीधा सीधा यहां पर पहुंच जाएगा जीरो, और यहां पर बी सीधा का सीधा क्या पहुंच रहा है जीरो पहुंच रहा है, बी को उल्टा नहीं किया गया है, जीरो जीरो मल्टीप्लाई होगी कितना बचेगा जीरो, और वन जीरो मल्टीप्लाई होगी कितना बचेगा जीरो, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, यानी कि ऑप्शन कितना आना चाहिए जीरो। फिर इधर लेते हैं जीरो और इधर लेते हैं वन, ये जीरो डायरेक्ट पहुंच गया, ये जीरो उल्टा होके वन हो गया, ये वन डायरेक्ट पहुंच गया, और ये वन यहां पर भी डायरेक्ट पहुंच गया, इधर जीरो इधर वन कितना आंसर आया जीरो, इधर वन मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा वन, इधर से वन आंसर कितना आ रहा है आपका वन आ रहा है। फिर इधर वन और इधर जीरो, ये वन सीधा पहुंच गया, वन उल्टा होके पहुंचा, जीरो सीधा पहुंच गया, जीरो सीधा पहुंच गया, वन जीरो 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 जीरो, इधर भी जीरो, तो आंसर कितना आ जाना चाहिए जीरो, और अल्टीमेटली इधर भी वन और इधर भी वन, तो ये वन तो सीधा पहुंच गया, वन उल्टा हो गया, यहाँ पे जीरो पहुंच गया, इधर वन सीधा पहुंच गया, और इधर वन सीधा पहुंच गया, वन 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 जीरो वन जीरो, बट इधर वन है इधर जीरो है, तो ऑप्शन कितना आ जाना चाहिए वन, तो जीरो वन जीरो वन, ये देखो किसके अंदर आ रहा है ऑप्शन आपका जीरो वन जीरो वन, ऑप्शन नंबर वन जो है वो क्या हो जाना चाहिए आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से ट्रुथ टेबल बना के आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज अ लॉजिक गेट सर्किट विथ टू इनपुट्स ए एंड बी एंड द आउटपुट वाई, द वोल्टेज वेवफॉर्म, आपको आपकी बार वोल्टेज वेवफॉर्म की फॉर्म में दे रखा है, द लॉजिक गेट इज, तो अपन आसानी से पहचान लेंगे कि देखो ए भी वन है बी भी वन है, यहाँ पे वन है बी भी वन है, तो आपका आउटपुट कितना आ रहा है जीरो आ रहा है, जब ए जीरो है और बी जीरो है, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो आउटपुट कितना आ रहा है वन आ रहा है, जब ए जीरो है बट बी वन है, ए जीरो बट बी वन, तो उस कंडीशन में आउटपुट कितना आ रहा है वन आ रहा है, और यहां पे देखोगे तो ए कितना है वन और बी कितना है जीरो, चारों कॉन्फ़िगरेशन मिल गए हमें, तो हमारा आउटपुट कितना आ रहा है ए वन हो गया बी जीरो हो गया, अगेन आउटपुट कितना आ रहा है वन आ रहा है, ठीक है। तो जीरो जीरो के केस में वन, जीरो वन के केस में वन, वन जीरो के केस में वन, और वन वन के केस में जीरो, आप थोड़ा अरेंज कर लो, जीरो जीरो के केस में वन, जीरो वन के केस में वन, वन जीरो के केस में वन, और वन वन के केस में कितना आ रहा है जीरो। तो ये जो ट्रुथ टेबल है ये आपको किसकी ट्रुथ टेबल से मैच होती हुई दिखाई देगी, नैंड गेट, एंड गेट का जो उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। If in a PN junction a square input signal of 10 volt is applied as shown, then the output across RL, तो ये किसकी तरह काम करता है, रेक्टिफायर की तरह काम करता है, नेगेटिव साइकिल सारे के सारे खा जाएगा, तो आपका आउटपुट कितना आना चाहिए केवल और केवल ये वाला ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर इज, तो RC तो आपको दे रखा है 3 के ओम, यानी कि 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ओम, और VRC आपको दे रखा है कितना 3 वोल्ट। सबसे पहले IC निकाल लेंगे, VRC डिवाइडेड बाय RC, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3, यानी कि 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम्पियर।
इफ करंट गेन इज 100 एंड द बेस रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम, तो बीटा आपको कितना दे रखा है 100, ठीक है। तो सबसे पहले आई बी निकाल लेंगे, आई सी डिवाइडेड बाय बीटा यानी कि 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1 × 10⁻⁵ एम्पियर, ये आई बी की वैल्यू हो जाएगी। अब बेस रेजिस्टेंस भी हमें दे दिया, तो बेस रेजिस्टेंस दे दिया तो इसका मतलब है हम वी इनपुट निकाल सकते हैं। इनपुट साइड पे जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है आई बी इंटू आर बी के इक्वल होता है, यानी कि 1 × 10⁻⁵ इंटू आर बी कितना दे रखा है हमें 2 किलो ओम यानी कि 10⁻³, यानी कि आ जाएगा 2 × 10⁻²² वोल्ट। और आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज ये किसके इक्वल होता है आपके वोल्टेज गेन के इक्वल होता है। अब आप बोलोगे सर आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, अरे भाई यही तो है आउटपुट वोल्टेज जो आरसी के अक्रॉस है, तो आउटपुट वोल्टेज दे रखा है आपको 3 और इनपुट वोल्टेज दे रखा है आपको 2 × 10⁻², तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻² यानी कि 150। अब वैसे तो 150 वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाना चाहिए, बट हम पावर गेन भी निकाल लेंगे। पावर गेन किसके इक्वल होता है करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज गेन, इसको ए वी लिखो, राइट, नॉट बीटा, इसको क्या लिखेंगे अपन, ए वी लिखेंगे। तो करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज गेन, तो 100 को 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 15,000 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम इन, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं और ये आउटपुट यानी कि हमारा बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा वो लेते हैं। तो सबसे पहले ए को भी 0 और बी को भी 0, मतलब ये वाला स्विच भी ओपन है, ये वाला स्विच भी ओपन है, तो करंट सीधी की सीधी फ्लो हो जाएगी, आपका बल्ब जल जाएगा, आउटपुट कितना आना चाहिए 1। ए 0 बी 1, ये आपने ऑन कर दिया बट स्टिल ये अभी ब्रोकन है, तो करंट को इधर से बहने का रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए करंट इसके थ्रू ही बहेगी, वापस से आपका एलईडी जो है वो जल जाएगा। सेम चीज 1-0 पर भी होगी, बट 1-1 पर देखना क्या चमत्कार होगा। 1 का मतलब है ये भी आपने क्लोज कर दिया और ये भी आपने क्लोज कर दिया। अब करंट इस वाले रास्ते पे नहीं जाके इस वाले शॉर्ट सर्किट वाले रास्ते को क्या करेगी, फॉलो करेगी, यानी कि अब की बार आपका बल्ब नहीं जल पाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। और ये देख रहे हो आप, ये जो ऑप्शन है ये किससे मिलता है आपका, नैंड गेट से मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। हमने नैंड गेट की ट्रुथ टेबल एक बार यहां पर भी फेस करी थी और एक बार हम इस क्वेश्चन के अंदर भी फेस कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आपको ट्रुथ टेबल जो है वो सबकी ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट वाई कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, तो देखो यहां से सीधा का सीधा ए जा रहा है, यहां से बी है बट नॉट गेट की वजह से कितना हो गया, बी बार हो गया, यहां से ए जाने वाला था बट नॉट गेट की वजह से ए बार हो गया, यहां से बी आने वाला था सीधा का सीधा बी, तो ये हो गया ए इंटू बी बार और ये हो गया ए बार इंटू बी, तो यहां पे मिल गया ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। अगर कोई पूछता तो हम गेट भी बता देते कि ये एक्सोर गेट का लॉजिक है, ऑप्शन नंबर 2 ये हमको करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, मतलब अपनों ने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए गेट्स के भी, ट्रांजिस्टर के भी, डायोड के भी, तो बिलीव मी कि आप इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम के अंदर भी सीधा का सीधा देखोगे। और मैंने पहले भी बताया है कि इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है आसान होगा, बट फिजिक्स के उन क्वेश्चंस में से एक होगा जिसको आप बहुत कम टाइम के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो, बट आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे फॉर्मूलाज जो हैं वो पता होने चाहिए, खासकर ट्रांजिस्टर के जो क्वेश्चन आएंगे। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो आपको वापस से प्रैक्टिस करना है, और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के थ्रू या मोस्ट वांटेड बुक के थ्रू आपको ट्रांजिस्टर के ऊपर और भी कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि इस चैप्टर के मार्क्स हमें लूज नहीं करने हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी मोस्ट वांटेड सीरीज जिसको हमने, आई होप आपने काफी एंजॉय किया होगा। आपको लिटरली जब 11th और 12th आपने 2 साल लगा दिए और फिर भी आपका सिलेबस सिमट नहीं पाया, तो लिटरली ये जो मोस्ट वांटेड की जो मेथडोलॉजी है वो बिल्कुल एकदम फ्रेश एयर की तरह आपको लगी होगी। ऐसा लगा होगा कि यार वाकई सुभाष सर ने और जो इनकी पूरी की पूरी टीम है, इन्होंने बहुत मेहनत की होगी इसके पीछे बहुत रिसर्च लगाई होगी, तब जाके इस तरीके की मेथडोलॉजी जो है वो डेवलप करी होगी।
बट अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर ये बात खुद मैं अपने मुंह से कहता हूं तो इट इज नॉट लुकिंग गुड, राइट। मुझे मोटिवेशन और मुझे इसी तरीके का काम करने के लिए, इसी तरीके का इनोवेटिव वर्क करते रहने के लिए अगर आप इंस्पायर करना चाहते हो तो मुझे डायरेक्ट अपने मैसेजेस के थ्रू टेलीग्राम के ऊपर मेरे से डायरेक्ट आप कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपका फीडबैक है, पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, बट नेगेटिव है, इफ देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर आपको लगता है कि कुछ और भी चीजें हैं जो कि शामिल की जानी चाहिए थी, तो वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं इनफैक्ट आपसे टेलीग्राम के ऊपर, जो भी हमारी मोस्ट वांटेड की फैमिली है, उसको पूरी की पूरी फैमिली को एक प्लेस के ऊपर कनेक्ट करके डेली जो कम्युनिकेशन है उसके माध्यम से आपके साथ जुड़े रहने के लिए पूरा का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत मजा आया मुझे पर्सनली, मेरे लिए, मैंने जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया था कि बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रही है ये जर्नी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे पढ़ाई के साथ साथ। बट मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके के वीडियोस के अंदर, कुछ इसी तरीके का इनोवेटिव वर्क लेके। थैंक यू।